नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामनवमी के दिन नौ कन्याओं के पांव पखारे महंत योगी आदित्यनाथ ने। गगहा में हुए लूटकांड का गोरखपुर पुलिस ने किया खुलासा। अधिकार न मिलने पर चुनाव में उतारेंगे किन्नर अपना प्रत्याशी। और समाजवादी पार्टी ने कराया फलाहार। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। रामनवमी का आज नौवां दिन गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष आयोजन का दिन रहा। प्रत्येक नवरात्रि के नौवें दिन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसी क्रम में आज गोरक्षनाथ मंदिर में महंत योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी नौ कन्याओं को मंदिर में आमंत्रित किया, उनके पांव पखार कर तिलक किया और माल्यार्पण कर उन्हें अपने हाथों से भोज भी कराया। महंत योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये नौ कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप हैं। आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। दोनों पर्वों को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से धूमधाम से के साथ आयोजन होते हैं, तो इस अवसर पर नौ दिनों का अनुष्ठान चलता है। तो उसके अनुष्ठान की जो पूर्णाहुति होती है वह अंत में नवमी की तिथि को कुमारी कन्याओं का पूजन और उनको भोग प्रसाद आदि लगवा करके खिलाने के बाद तब यहाँ पर अन्य लोग फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बीते माह गगहा थाना क्षेत्र में अनिल यादव के साथ हुई लूट की घटना गोरखपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों के पास से लूट का माल भी बरामद कर आज उन्हें जेल भेज दिया है। गगहा थाना क्षेत्र के रखहत में बीते 17 मार्च को अनिल यादव से अज्ञात लुटेरों ने लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड व नकदी लूट लिया था। पीड़ित अनिल यादव की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गगहा पुलिस में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का माल और नकदी बरामद किया। बेलीपार निवासी जितेंद्र यादव और झगहा थाना क्षेत्र के करौता निवासी रवि यादव को गिरफ्त में लेकर उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दोनों बदमाशों को पुलिस ने आज जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव ने बताया कि गगहा थाना क्षेत्र के करकोल घाट पुल से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। रोड रॉबरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। उसके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दो अभियुक्त इस गैंग के भी शेष हैं और इन दोनों अभियुक्तों से लूटा गया माल बरामद हुआ है। जो लूटा गया ये लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कैश और पासबुक वगैरह। चिल्वाताल थाना क्षेत्र निवासी सारिका श्रीवास्तव ने सास ससुर व पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 साल तक वह अपने ससुराल में रहीं, लेकिन उसके बाद ससुराल के लोगों द्वारा बार बार पैसा मांगा गया। पैसा न मिलने पर ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह दर दर भटक रही हैं। सारिका श्रीवास्तव ने कहा कि यदि उन्हें न्याय न मिला तो आत्महत्या कर लेंगी। वो मजबूरी है कि हमारे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या मामला है? दहेज के लिए। कौन कर रहा है? मेरी सास और मेरे पति और मेरे जेठ। क्या नाम है आपका? नितिन श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? रायगंज, उत्तरी रायगंज। अरे यार, ये है उत्तरी रायगंज थाना, थाना राजघाट। क्या मामला था, क्या हुआ था जिसके कारण शादी, कितने दिन पहले शादी हुई थी, क्या मामला था, किस वजह से आपके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं? शादी तो हमारी 2007 में हुई थी और जब शादी होकर हम ससुराल आए तो दहेज के लिए तुम्हारी मम्मी ये नहीं दी है, तुम्हारे पापा ये नहीं दिए हैं, तुम्हारा भाई ये नहीं दिया है। किसी तरह हम साथे सह लिए। फिर उसके बाद मैं अकेले पहुँचा दिए लड़ झगड़ के और उसके बाद फिर गए, अपने मन से गए हम। फिर शुरू हुई बात लेके, मेरे जेठ का लड़का था वो बेल्ट लेके आया मारने। हम गए, क्यों मारने आ रहे हो? तू कहा कि तुम घर से निकल जाओ, हम घर के चिराग हैं। तभी पेट में थी। और उसके बाद से ये 8 में पैदा हुई, सन 2008 में। फिर मेरी सास लड़की हुई है, इसको लेके कुछ दिन चला। मतलब कुल मिला के आपको किसी ने किसी बहाने बता? हाँ, सिर्फ पैसे के लिए।
कितनी मांग के पैसे? 2 लाख। 2 लाख दे से मांगा जी, नहीं दे रहे पैसा आज के साथ। हाँ, आए दिन आए दिन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन्नरों को पिछड़ी जाति में रखते हुए थर्ड जेंडर और समानता के अधिकार को लागू हुए 2 वर्ष हो गए हैं। किन्नर समाज में इस अवसर पर किन्नर दिवस का आयोजन कर चुनाव से पहले अपने इरादे स्पष्ट किए। इस आयोजन में किन्नरों ने जमकर नृत्य किया और फिर आरोप लगाया कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समानता के अधिकार और बुनियादी सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। किन्नरों द्वारा स्थापित एकता सेवा संस्थान एनजीओ की ओर से महानगर के एक होटल में आयोजित समारोह में किन्नरों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही किन्नरों को समानता का अधिकार और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में उन्होंने विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरकर राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। एकता सेवा संस्थान के अध्यक्ष किन्नर सपना का कहना है कि जब किन्नर मेयर बन सकती है, किन्नर पार्षद बन सकती है, किन्नर विधायक बन सकती है, तो फिर किन्नर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती। ये हमारा कहना ये है कि मतलब आज 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमने पिछले साल भी मतलब छोटा सा ये प्रोग्राम मनाया था, लेकिन आज हम बड़े स्तर पे मना रहे हैं। पहले तो मैंने कुशीनगर में मनाया था अपने संस्था में, अपने ऑफिस पे, पर इस साल मैंने थोड़ा सा और बड़े स्तर पे मनाया गोरखपुर में। और मैं इसी माध्यम से सबको ये सूचना देना चाहती हूँ सरकार को कि सरकार हमारी जो मतलब 2 साल पूरा हो गया, जजमेंट आया, लांसर जजमेंट, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी तक कोई हमें लाभ नहीं मिला, ना हमारे किन्नर समुदाय को कोई लाभ मिला, ना हमें मिला। मतलब हम लोग एक संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतलब इसके द्वारा हम जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एक पिछड़ी जाति को बहुत दबाया जा रहा था पहले के समय में, बहुत दबाया, लेकिन उन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज बराबर का समाज में बराबर का दर्जा बैठने को मिलता है। तो क्या हमें भी ये तो मिलना चाहिए? क्या हमारा किन्नर समुदाय इतना बुरा तो नहीं है कि मतलब एक महिला और पुरुष के साथ उठ बैठ नहीं सकता है? क्या उसे हमारा जैसे ये किन्नर समुदाय है, हमारी गुरु लोग हैं, तो अभी तो मान लीजिए हमारा जब तक हाथ पाँव चलता तब तक हम कमा खा लेंगे नाच गा के, लेकिन जिस दिन हमारा हाथ पाँव नहीं चलेगा, क्या हमें पेंशन नहीं सरकार से मिलनी चाहिए? क्या लग रहा है कि अभी आपको जो अधिकार मिलने चाहिए थे अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाए? पूरी तरह से ही नहीं मिल पाया, एकदम मतलब एक तरह से समझिए कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किन्नरों को समानता के साथ पिछड़ी जाति के अधिकार भी मिल गए हैं। वह समाज की मुख्यधारा में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार की उदासीनता के कारण किन्नर आज अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि किन्नरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। किन्नर दिव्या और संजना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को 2 वर्ष पूरा होने पर किए गए इस आयोजन में किन्नरों के अधिकार दिलाने की मुहिम रंग लाएगी। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को भी तीसरी पीढ़ी में नाम हो, हमारे समाज में जो हमारे छोटे बड़े हों सब एक समान जिए जागें, और हमको भी समान में मतलब समाज में खड़े होने का हक मिले। बस यही निवेदन है सरकार से कि वो हम लोग को भी आगे मतलब तीसरी पीढ़ी में हम लोग को भी नाम दे, हम लोग भी समाज के सामने। हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब जो भी हमारा ये एकता का जो भी है और जो भी हम लोग हक चाहते हैं, हमारे पूरे ऑल इंडिया में जितने भी हमारे मतलब कैटगरी के हैं, या वो मेल में हो या वो फीमेल में हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हम यही चाहते हैं क्योंकि समाज में कोई हमारी तरह कोई भिन्नता ना हो कि ये कौन है ये कैसे हैं, जैसे आम लोग रहते हैं वैसे हम भी लोग रहना चाहते हैं। बस अभी लग रहा है कि ये जो पहल हुई है ये कुछ आगे बढ़ेगा? हम लोग बिल्कुल जाहिर से जाहिर बहुत ज़्यादा हम लोग संघर्ष करेंगे और एक ना एक दिन ये साबित करके रहेंगे कि हम भी लोग बिल्कुल एक आम जिंदगी जी सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि किन्नरों द्वारा की गई पहल सराहनीय है। राज्य सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किन्नरों को समानता का अधिकार और उनका हक दिलाने के सपने को पूरा करें। इस अवसर पर महापौर डॉ सत्या पांडे, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी, रिटायर्ड जज शैलेंद्र पांडे, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी किरण सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित दर्जनों की संख्या में किन्नर भी उपस्थित रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में जनता को कोई नॉलेज नहीं है,
और जनता की न जानकारी होने की वजह से ये भेदभाव बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया अन्य सारे प्रदेशों ने उसको लागू कर दिया। बसंती नवरात्र के मौके पर समाजवादी पार्टी द्वारा फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर क्लब में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता और आम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। शहर विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी संजय यादव ने आपसी भाईचारे को बढ़ाने पर जोर दिया। आज ये नवरात्रि में फलाहार का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम कराती चली आ रही है, तो इससे लोगों के अंदर एक आपसी भाईचारा और सामंजस्य की स्थापना होती है। सब लोग एक मंच पर हो करके और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, इसको लेकर के आज ये कार्यक्रम रखा गया था। खबरों के संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।